बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। तेजस्वी प्रकाश से सहनाज गिल तक इन टीवी क्वींस की पहली सैलरी जानकर आप चौंक जाएंगे। तेजस्वी प्रकाश ने इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है। एक टीवी एक्ट्रेस के रूप में अपनी जर्नी की शुरुआत में लगभग 10 साल पहले उनको पर एपिसोड के लिए 25,000 मिलता था और आज अपने शो नागिन 6 में पर एपिसोड के लिए 2,00,000 चार्ज करती हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में एक ऑडी Q7 खरीदी है जिसकी कीमत 80,00,000 है। फिलहाल एक्ट्रेस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पीक पर है। शहनाज गिल इस समय देश के हर इंसान के दिल में बसती है। उनके जैसा पॉपुलैरिटी पाने वाला कोई नहीं है। जब उन्होंने बिग बॉस 13 के घर में एंट्री किया तो वह कोई नहीं थी, लेकिन आज उनका नाम उनके फैंस के दिल पर छपा हुआ है। एक्ट्रेस को 2016 में उनके पहले एल्बम के लिए 70,000 मिला था और आज उनकी कुल संपत्ति 29 करोड़ है। जी हाँ, अब वो एक एड के लिए 25,00,000 चार्ज करती हैं। उनकी सालाना इनकम 3 करोड़ है। रूपाली गांगुली इस समय टेलीविजन में सबसे अधिक पैसे पाने वाली एक्ट्रेस है। अनुपमा फेम को पर एपिसोड 3,00,000 रुपए दिए जाते हैं। बताया जाता है कि उनको पहले पर एपिसोड के लिए 15,000 मिलता था। वह अपने लोकप्रिय शो अनुपमा के साथ एक घरेलू नाम बन गई है। श्वेता तिवारी अभी एक माँ और एक्ट्रेस के रूप में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हैं। डीवा ने एक लंबा सफर तय किया है और अपने लाखों फैंस के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने एकता कपूर की शो कसौटी जिंदगी के लिए अपनी जर्नी की शुरुआत की। उन्हें पहला पे चेक 5,00,000 रुपए दिए गए थे और आज वह पर एपिसोड 3,00,000 चार्ज करती हैं। स्मृति ईरानी के करियर की छलांग अनबिलीवेबल है। एक टीवी एक्ट्रेस से लेकर एक पॉलिटिशियन होने तक आज उनके जैसा स्टारडम किसी के पास नहीं है। स्मृति ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और क्योंकि सास भी कभी बहू से अपने रोल तुलसी के साथ एक घरेलू नाम बन गई, तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।